आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे मेरा भाई विशु पत्थर का बन गया। एक तरफ मेरे माता पिता थे जिनकी चिंता खत्म नहीं हो रही थी, और दूसरी तरफ गुरुकर और उसकी बहन डरावनी जो पड़े थे मेरी बहन माया की शक्तियों के पीछे। किसी तरह मैंने कमंडल को शुद्ध करके बचाई माया और विशु की जान। अब आगे सुनो बोचलो, हमारा बात सुनो। अभी देखो हम क्या करेगा, एक एक बच्चा का नाम लेगा, जिसका नाम लेगा ऊपर आएगा, और जन्माष्टमी का ड्रामा में जो कैरेक्टर करता है उसका लाइन बोलेगा। क्या बोलेगा? लाइन बोलेगा। देखता है सबसे अच्छा कौन बोलता है। ओ माय, हाँ आयो तुम आओ। बोलो। चुराता है आई हो तो घर आ, अगर तेरी यशोदा मैया से पिटाई नहीं करवाए ना तो मैं भी कुकुर की ग्वाल नहीं। उड़ी बाबा भीषण सुंदर। बैठो अपना जगह पर बैठो। क्या करता है बच्ची एकदम से? बहुत बढ़िया। अभी आएगा ओबी, तुम आओ। बोलो अपना लाइन बोलो। बंधुओ डरो मत, आज ये निर्णय हो जाएगा कि यमुना हमारी है। ये यहाँ छुपे उस कालिया नाग की, वो यहाँ इसीलिए निवास करता है क्योंकि हमारा भय उसे हमसे बड़ा बनाता है। अगर भय का अंत हो गया तो समझो कालिया का भी अंत हो गया। बाबा ईश्वर एकदम अच्छा कर रहा है, सब गुड कर रहा है, बहुत बढ़िया करता है। जाओ। जहरीला दूध गुरुकाल, आप शायद भूल गए मैं नागिन हूँ। नागिन, मेरे रग रग में जहर भरा है, तो मुझे कोई और जहर की क्या जरूरत? मैं जानता हूं पर तुम्हारे विष का प्रभाव अभी पर नहीं होता, पर इस दूध में मिला हुआ विष बहुत खास है जिससे मैंने जड़ी बूटी लोग से चुराया है। जड़ी बूटी लोग? हाँ, तुम्हारा विष प्राणियों की जान लेता है, पर इस विष को धारण करके तुम जब अभी को डसोगे तो वो मरेगा नहीं, सांप बन जाएगा। पर गुरु का अगर अभी सांप बन भी गया तो आपको क्या फायदा? होगा फायदा। मायावी चाबी इंसान के शरीर में छिपाई जा सकती है, जब अभी सांप बन जाएगा तो वो चाबी उसके शरीर से अपने आप निकल जाए। नमस्कार। वो होता है कभी कभी, ये है क्राउड देख के हम गिर जाता है। देवियों छोजनों, इस साल का जन्माष्टमी का ड्रामा के उपलक्ष्य पे आप लोग का हम हृदय से, दिल को एकदम अंदर से स्वागत करता है। हमारा स्कूल का बच्चा लोग अपना अंदर का एकदम से जो टैलेंट है ना, आप लोगों के सामने प्रदर्शित करेगा कालिया मदान नाटक के द्वारा। समझा? इसमें क्या होता है, कृष्ण भगवान है ना, वो कालिया नाग को एकदम से बंद कर देता है। क्या कर देता है? बंद कर देता है, उससे वो अधर्म का नाश कर दिया और धर्म को स्थापित कर दिया कृष्ण भगवान। मेरी गेंद वापस दे दो और यमुना नदी को छोड़कर चले जाओ। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी तो मैं दंड देता हूँ।